हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। और ये है मैडम जी आई हैं। तो इस ये देखिए, पहले तो मैडम जी आउटफिट ऑफ द डे OOTD नया वर्ड है, मैंने नया नया सीखा है, पहले तो मुझे पता ही नहीं होता था। तो बताओ जी, क्या लेके आए हो? मैं कुछ नहीं, मेरे कुछ जूते मंगवाए थे। एक फिर से जूते? ऐसे ज्यादा बढ़िया वाले नहीं है, टाइम पास वाले जूते हैं। तो टाइम पास के कुछ जूते मंगवाते हैं, मेरे को भी मंगवा दे टाइम पास के लिए जूते। अरे यार, देख रही हो, अगर पसंद आए ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे, मैंने किसी को देखे थे एक्चुअली। हाँ, तो मैं मंगवा लेती हूँ। ओके, तो एक बात हो रिचा, कॉम्बिनेशन बढ़िया किया हुआ है, ब्लैक एंड येलो एकदम टिप टॉप। अभी थोड़ी सी ना सर्दी कम हो रही है, वेदर अच्छा हो रहा है, आजकल तो कपड़े ट्राई करने का दिन है। हाँ, वही अब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। हाँ, तो दिखाओ जी। मैंने जूते, तो ये है वाटर शूज। वाटर शूज है, बता रही थी तुमको वाटर शूज मंगवाने वाली हूँ मैं। हाँ, पता नहीं कैसे रही है, ऐसे है। हाँ, तो वही है स्विमिंग पूल में डालने के लिए। इसको नॉर्मल पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि अगर नॉर्मल भी पहन सकते हैं तो एटलीस्ट इफ यू कैन वॉक रन। यो यहाँ पर तो आपने ट्राई किया जा रहा है कि भैया सही है, बिल्कुल फिट आए हैं, 1% भी ऊपर नीचे नहीं हुए। 6.5 नंबर होता है, 6.5 नंबर तो वो 6.5 इसीलिए होता है तेरा नंबर। इसलिए मैं कह रही थी अगर अभी स्विमिंग पूल वगैरह जाना हुआ, फिर बीच वगैरह जाना पड़ता है तो उसके लिए बेस्ट। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। समझ मैंने पूरा कवर किया है, सबको सब सच्चाई दिखनी चाहिए। तो नेचुरल है ना, वैक्सीन तो कराऊंगी ना, अभी सर्दी गर्मी आने वाली है। कैसे लग रहे देखो जरा, शूज तो बढ़िया लग रहे हैं, कंफर्टेबल है, पता भी चल रहा पहने हुए। शूज तो अच्छे हैं, तो बीच के लिए स्विमिंग पूल के लिए जा सकती हूँ? नहीं, ऐसे नहीं है, ये स्विमिंग पूल उसके लिए है, बीच के लिए। लेट्स गो यार, बहुत बहुत बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, धूप वूप से सूर्य देवता जी पूरे इधर भी पहुंच गए हैं। आज सौरभ का भी OOTD देख लो भाई, तुमने तुम्हारा तो कोई OOTD नहीं है, ब्लैक पेंट, ब्लैक वो और ब्लैक वो टी-शर्ट। ये कैप मुझे दे दोगे अपनी उधार? नहीं, ब्लैक कैप है यार, मैं आज नहीं लेके आऊंगी। गाइस, आज ना हम थोड़ी सी ना समर स्टफ देखने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है और कपड़ों की थोड़ी कमी हो रही है। ऐसे बंदे को कमी हो रही है कि दरवाजा खुलते ही ना कपड़े नीचे गिरते हैं, उसको कमी हो रही है। सोचो हम जैसों को क्या होगा जिनके पास गिर के कोई पानी छिल होते हैं। वी जस्ट गोइंग कि कुछ अच्छा मिले तो हम थोड़ा सा शॉपिंग कर सके। चल जल्दी आ जा यार, यहाँ पे भी लेट। ये लड़की ना मतलब लेट लतीफी रहती है। ज्यादा कौन स्मार्ट लग रहा है गाइस? स्मार्ट मैं सही, ये है ना। ओ, मैं लग रही हूँ सेक्सी हॉट, तुम क्या लग रहे हो? मैं स्मार्ट ही ठीक हूँ। ये गोबल से अच्छी लग रही, आई डोंट लाइक इट। ओके, मेरी कहाँ है? आई विल बाय अ न्यू वन। हाँ, पैसे बढ़िया है। और अब तो पूरे ब्लैक ब्लैक हो गए। नहीं, मैंने येलो कलर भी रखा हुआ है, ये देख बैक। तो ऐसे लग रहा है किसी परेड में जा रहे होते हो। Let's go। कहाँ जा रहे हैं? लंदन से आउटलेट। वो आज हम पेपर ले जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं। I think that I'm going to hide in somewhere by a gate at star. Baby, they ain't never gonna find me. भाई, गाड़ी यहाँ पार्क की है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली। आज पूरी पार्किंग फुल है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है वेम्बले में। आज इवेंट है ना, कोई तुमने देखा भी नहीं हो रहा, इवेंट वाले दिन तो कितनी भीड़ होती है भाई। अब आगे तो क्या करें, वापस चले? ये चलो देखते हैं। नहीं नहीं, अभी आए हैं तो मजे लेके जाते हैं ना फिर इवेंट के। अब तो एस्टा पे पार्किंग की है। इतना स्लो चला नहीं जाता तो इतने मोटे मोटे शूज क्यों डालते हो? और फिर लेट होते रहते हैं हमेशा हर जगह पे। चलो फास्ट भागो भागो। तो ये ऊपर चल रहा है हेलीकॉप्टर, तब से काफी टाइम से चल रहा है ना सौरभ? मुझे लग रहा है एज ए सिक्योरिटी शायद लगी हुई है कुछ तो। वही बोला था ना मैंने, इवेंट है ये देखो। चलो अभी आगे है मेरे एरिना वेम्बले, ये स्टेशन है वेम्बले का और ये है यहाँ का माहौल। फाइनली दुनिया वापस आ रही है। सौरभ, जिस तरह से भीड़ आ रही है, तुम निकलोगे कैसे यहाँ से? ट्रैफिक जाम में फंस के धक्के मारने हैं। उधर फ्लैग्स वगैरह लगे हैं, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हें ये पता है किसका मैच है? चलो भाई साहब, आज तो मजे हो रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन है बर्गर में भाई। चलो चलो, मैं नहीं खड़ी हो रही तुम्हारे साथ। रिचा वो बोल रहे हैं कि ड्रिंक नहीं करनी है, ड्रिंक नहीं करनी है। मैं कब करती हूँ तो पता नहीं ना। मुझे याद है हम कोरोना से पहले यहाँ पे आए थे और
अंदर गए थे और दोनों इतना बोर हो गए थे ना कि बीच में छोड़ के आ गए थे मैच को. हम इंटरेस्ट नहीं है ना, ना इसको ना मुझे फुटबॉल में. तो जैसे इसका चला कोई नई बेकरी खुली, इसका तो मुंह दौड़ा उधर. भाई आके खा लेना, देखने जा रहे हो क्या? मैं नहीं लेके आ रही, नई लगाई है. तो वही लंदन आउटलेट के शॉपिंग सेंटर पहुंच गए हैं. सौरभ जेन्युइन जो लगेगा वो शॉपिंग करना, ठीक है? तो भाई जूतों की शॉप के ऊपर आ गए हैं. क्या लेना भाई? ब्लैक शूज. लो जार जो लेना ले लो. तो लेना लूना कुछ नहीं है, बस टाइम वेस्ट कर रहा है. फांसी हमारी चाह रहे. चलो तो रिचा गई अब दूसरी दुकान में. पता नहीं तीन चार दुकानें देख ली हैं पर इसको कोई चूज ही नहीं आता. लड़कियों की शॉपिंग चूज करना ही नहीं हो रहा इसका. मैडम जी मिल लो कुछ यार, फिर जाके ना कहा जाके तो मिलो बोलना है कुछ दिलवाया नहीं, कुछ दिलवाया नहीं. चार मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ. जब पसंद आएगा तब लूंगी. जो पसंद आ रहा था वो बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा. बताओ यहाँ पे चार फ्लोर है, 110 दुकानें हैं. किसी भी दुकान में भाई तू ले ले, बस मैं ना तेरे को चैलेंज देता हूँ. इसी बार ले लेगी. शाहरुख खान ने 70 मिनट देखा, मैं तेरे को 70 सेकंड देता हूँ. किसी भी दुकान में कोई भी चीज उठा ले, चाहे वो 4 पाउंड की हो, चाहे वो 4 पाउंड की हो, चाहे 400 पाउंड की हो, मैं उसका बिल पे करूंगा. कुछ नहीं सोचूंगा. पर मैं ना वो भी बैठ जाता हूँ तो वो भी नहीं ले पाएगी. झूठे. अगर खरीद लिया, अगर खरीद लिया तो मैं पे कर दूंगा. चलो इसे शोरूम में चलते हैं, इसी में चलते हैं, इसी में खरीदती हूँ मैं. रिचा अंदर जा रही है तो 70 सेकंड स्टार्ट हो रहे हैं. मैं बस इसको कवर कर रहा हूँ, ये बस भाग भाग के देख रही है. रिचा टिक टिक 7 8 9 10. लो जी लो. अरे वाह, एक चीज चूज होगी. नहीं जितनी मर्जी ले, 70 सेकंड बस ले. आई एम नॉट काउंटिंग एनी मनी, बस 70 सेकंड में. साइज भी देख लेना अपना, अपना साइज भी होना चाहिए. तेरा साइज है 25 सेकंड हो गए. 25 सेकंड और मुझे गारंटीड है कि तू ये कुछ नहीं करने वाली. ये देख 30 सेकंड हो गए रिचा. फिफ्टी थ्री एक्चुअली घड़ी में मैंने चेक किया है. 55 10 सेकंड बचे और. तो मैंने देखो पकड़ ले पक्का. डन ये गट कैसी जैकेट है ये, तो तू ऐसे नहीं कभी डाल. तेरा टेस्ट ही नहीं है. ये पिंक वाली भी अच्छी लग रही है. चल ठीक है, मैं तेरे को कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक तो ले लूँ मैं कोट. चल डन. चलो टाइम ओवर. हाँ टाइम ओवर. अच्छा आके बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस. ये भी 16 नंबर आ गया, मेरा तो 10 है. तो ये भी तेरे मतलब काम की चीज नहीं है. पर चल इसका साइज ले ले, अगर अच्छी लग रही है तो. फिर नहीं कुछ ले पाई, मतलब 70 सेकंड दिए थे. इतना स्ट्रेस आउट कर दिया ना, समझ ही ना आए कि मैं क्या लूं. तो यही तो मेन था चैलेंज कि स्ट्रेस में शॉपिंग करनी है. तो एक चीज तो उठा लेते अच्छे से जो तेरे को पसंद गया. तो उसका साइज गलत आ गया. तो वो तो तुम्हें देखना था ना, मतलब यू हैव फेल्ड इट, यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट द चैलेंज. इतना कम सेकंड हो ना तो बंदे का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है. तो स्ट्रेस यही तो बोलते हैं इसको. मैंने 70 दिए, मैंने 70 सेकंड दिए थे यार. बहुत मेरे को दे, मैं अभी कभी ले लूंगा. इस बंदे ने तो धोखा किया मतलब स्ट्रेस दे के. मेरे तो पैसे बच गए. चलो उस स्ट्रेस में तेरे को देख के. अरे मैं वैसे भी खरीद लूंगी. चलो यार कुछ और देखते हैं. दुकान से बाहर तो आ गए, शोरूम से एक ही चीज पसंद आई मुझे, बट चैलेंज भी नहीं आई, वो खराब हो गया काम. जो पसंद ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे. चलो अब ऊपर चले, एक बार देख ले ऊपर जाके. फुल प्राइस पे सारा सामान लगा हुआ है, सेल्स भी सब ऑफ हो गई है. तो वो ऐसे ना फुल प्राइस पे 100 GB भी देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं फालतू लेना वाले हैं. बोलूं खाली स्टोर में जाने का ना एक नुकसान है, वहां जाते हो ना तो सारे जने तुम्हारे पास आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ जी सर मे आई हेल्प यू एनी हेल्प एनी हेल्प. तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बंदा खरीदेगा. इसलिए मैं खादी स्टोर में कभी नहीं जाती, मैं हमेशा जाती हूँ जहाँ पे थोड़ी सी क्राउड और लोग सामान लेने. हेलो हाय हाय थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? शशि. हाय नाइस टू मीट यू. थैंक यू. चलो यहाँ पे मिल गया कोई है ना. थैंक यू शशि फॉर मीटिंग अस. अभी ना एक काम करते, कुछ खाते हैं. शॉपिंग का तो मतलब खुदा ही मालूम का, जो भी लिया हमने थोड़ा बहुत ले लिया. अभी हम इस वाले में चले क्या? ये कौन सा है? ये कोई नया खुला लग रहा है एक्चुअली. यहाँ
कि सौरभ समझ आ गई कि यहाँ पे तुमको वेफल्स पैनकेक्स ये सब मिलेंगे। यही मिलेगा हाँ। ओए 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 ओए, मेरी खाने वाली चीज रिचा ने अपने लिए मंगवा ली है। नहीं, ये मैं कुछ फोटो खिंचवाने वाली हूँ। ये चॉकलेट, ये आइसक्रीम वाला तो तुम खाना। हाँ, वो मुझे पता है, पहले भी पता ही है। इतनी बड़ी प्लेट खींची है इन्होंने। गौर से देखो ये, और फिर ये बोलते कि मेरा वेट नहीं कम होता। सौरभ ये क्या मंगाया है? लूना, ये कैसा? ये लूना है। ये तो पहली बार देखी ऐसी कॉफी। करो चीयर्स टू लूना लाटे एंड कैफे लाटे। चीट मिल करके मजा आ गया। गौरव, मेरा मेरा दिल तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास नहीं। मेरा भाई, मेरा तो दिल वैसे तुम्हारे लिए है। Enjoy? Yes. कैसा टेस्ट है? बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर अगले हफ्ते अरिजीत सिंह का शो हो रहा है। 2 मई को, अगले हफ्ते नहीं। हाँ, 2 मई को, मई में हो रहा है। और उसका भी हो रहा है, क्या नाम है, कोई सिंगर का निकम मानी नहीं, जो गाने गाती रहती है। अलका याग्निक नहीं, पता नहीं कोई तो है, किसी का तो हो रहा है यार। टोनी कक्कड़ की जो बहन है, नेहा कक्कड़। टोनी कक्कड़ से बहन थी यार, वो रहा नेहा कक्कड़ आ गई है। हाँ, अगस्त में है उसका। हाँ, अगस्त तक कौन जाने। वो अभी से प्रमोशन कर रही है। और खाते खाते यहाँ पे पूरी रात हो गई है। अतुल कोचर की मैं जा रही हूँ, पता है? हाँ, मुझे पता है। तो अगले हफ्ते जा रही है, अगले हफ्ते अतुल कोचर का इन्विटेशन आया है मुझे। आपको नहीं आया भैया, वो सिर्फ वुमेन्स को आया है। और सारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि यूके में, लंदन में है, लेडीज। हाँ हाँ, माता जी बुक लॉन्च के लिए जा रही है, समझ गया हम लोग। यहाँ पे हमारा फोटो सेशन हो गया और मैच हो गया खत्म। मतलब आई थिंक सब लोग बाहर आने वाले हैं। हाँ, तो अभी हम देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। सो और आई एम मिसिंग दैट होम, पता है हमने वहाँ पे लेना था 5 साल पहले। चलो, और ये सारे सिक्योरिटी वाले भी बाहर आ गए हैं, अगर आप देखो, क्योंकि उनको है कि सारा एक बार से एडजस्टमेंट कर ले, हम निकल जाते हैं, नहीं तो भीड़ बड़ी हो जानी। सर भाई, अब लग रही है ठंड, इस जैकेट में नहीं हो रहा। तो फिर गाड़ी में बैठ के दूसरी जैकेट ले लो। है ही नहीं, मैं लेके ही नहीं आई। अरे यार, तू क्या करती है? ऊपर से मैंने ज्यादा ही खा लिया, मेरा पेट पूरा भर गया है। हाँ, मुझे लगता है रात का डिनर तो स्किप होने वाला है। बहुत ज्यादा हो गया ना एकदम से। तो रात का डिनर स्किप करते हैं, साथ में पियेंगे सूप। सूप पियेंगे और ब्रेड पी लेंगे ना साथ में, ब्रेड खा लेंगे। अब तो सूप पी लेना ना फिर कुछ। रात को 12 बजे भूख लगे तो मैगी अंदर जाएगी। फिर मैगी। सौरभ, यहाँ पे हवा भरवा रहे हो? ओके भाई, तुमने ये विंडो नहीं खोली? सांस वो हो रही है। विंडो नहीं खोली हुई? ये वाली विंडो नहीं खोली ना? ऐसे मत जाया करो, गाड़ी बंद करके विंडो खोल के जाया करो, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है। हो गया बिल? कितने का बताया भाई? ये देख लो, पेट्रोल इतने पेट्रोल के बुरे वो लगे हुए हैं, मजे हैं पेट्रोल वालों के। 90 pound का कितना? आधे टैंक, आधा टैंक 90 का। ओ माय गॉड, महंगाई बढ़ गई सौरभ, खर्चे कम कर दो। खर्चे तो मैं कम कर दूंगा, तुम अपनी शॉपिंग कम कर दो बस। अरे यहाँ मेरी शॉपिंग के पीछे पड़ जाते हो, मुझे देखो मैंने कौन सी शॉपिंग कर ली इतनी। प्यार है हमारा, प्यार है। मार मार के प्यार दिखा रहे हो तुम ऐसे। ताने भाई अभी इधर आ गए हैं फ्रेंड से मिलने के लिए। हे बड़ी, उधर है उसका घर, चले सारा। चलो भाई, ये हमें मिल गया रास्ते में, बोलता चलो घर चलते हैं। ये ऐसे, ये तुम्हारा वो होगा लिविंग रूम है। ओके, अभी किधर? अच्छा, ये अपने पोर्शन है, ये किचन। ओके, दिस इज किचन, एंड ये है इसका बेडरूम। यहाँ मुझे पैर पसार के सोता होगा भाई। अपना मिरर है, थोड़ी शक्ल शक्ल चेक कर ले। ये है मेरा बड़ी, जो मेरे साथ मुंबई में था, हम दोनों इकट्ठे काम करते थे। भाई फाइनली हम लंदन में मिल रहे हैं काफी टाइम बाद। और हाँ, बड़े वाली हवा है, और देखिए वेम्बली स्टेडियम का अभी भी वो लाइट चल रहा है, मस्त है, बट ठंड थोड़ी सी। बंद कर देते हैं, और सौरभ भी आ गया है सब नीचे से गाड़ी से सामान लेके। तो भाई आज की है थोड़ी सी H&M और थोड़ी सी एवेंडस की शॉपिंग। तो 2-3 चीजें ली है, दिखा देते हैं फटाफट क्या लिया है हमने। तो एक तो ये कोट लिया है हमने, ये मुझे थोड़ा सेल पे मिला तो मैंने ले लिया छोटू सा। और एक जो H&M का 2 कपड़े लिए, ये मेरी ड्रेसेस है, सौरभ को कुछ नहीं आया। ये मेरी समर की ड्रेस है, एक मैंने ये समर का थोड़ा सा बीच टाइप का लिया है थोड़ा सा। तो भाई ये हमने, तुम्हें पसंद नहीं आया, इट्स योर प्रॉब्लम, बट इसने मुझे जो चैलेंज दिया था वो तो मैं हार गई है। बट इट्स इम्पॉसिबल सौरभ, अगर तुम एक्सपेक्ट करो किसी से कि भाई 72 सेकंड में सोच के सामान भी खरीद ले, दैट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर मी। फिर बाहर आ गई है, तेरे को पता नहीं बाहर बार बार आ जाती है। ठंडी हवा लेने का मूड हो रहा है। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले सर्दियां थी तो फटाफट बोलती दरवाजे बंद करो, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है।
तो गाइस अभी बाय बोलते हैं आप लोगों को. सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा. और ये क्या नाली लगा के बैठ गया है.